देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के संग में ये शहतूत का प्लांट लेके आई थी और ये लगाया था। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये मैंने इधर शेडी एरिया में लगा रखा है क्योंकि धूप बहुत तेज होने लगी है हमारे यहाँ। और ये है दोस्तों मेरा मैंगो का प्लांट, इसमें अभी मैंगो नहीं आए क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे लगाए हुए, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी हो रही है इसकी ग्रोथ। मुझे अभी इसमें एक थोड़ी सी स्टिक टाइप की देनी है इसको सपोर्ट के लिए। देखिए इसमें हमें अगले सीजन में मैंगो मिल जाएंगे। और इसके बाद ये है मेरा अमरूद का प्लांट, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल आई हैं देखिए, और कितने अच्छे। इस समय एक दो पत्ते जो सूख रहे होते हैं उन्हें हमें अपने हाथ से ही हटा देना चाहिए दोस्तों। इसके अंदर पहली बार ये मैंने बीज से लगाया था और इसमें पहली बार फूल भी आया था, एक ही फूल आया था लेकिन उसको मैंने हाथ से कट कर दिया था क्योंकि जब पहली फ्लावरिंग होती है तो पेड़ हमारा जब तक मैच्योर ना हो हमें उसमें फ्रूटिंग नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने इसके फूल को कट कर दिया था। और अब जो दूसरी बार इसमें फ्लावरिंग होगी तब हम इसकी फ्रूटिंग लेंगे दोस्तों। हमें जो है थोड़ी थोड़ी अपनी छत पे से हार्वेस्टिंग मिलती रहती है, अभी मैंने दो तीन दिन पहले ही करी थी और आज भी मैं कुछ हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं टमाटर हार्वेस्ट करूँगी। टमाटर देखिए इतने सारे लगे हुए हैं और धीरे धीरे सब पकते ही जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी टमाटर पक रहे हैं। चलिए इनको निकाल लेते हैं। काफ़ी सारे टमाटर पक चुके हैं हमारे प्लांट में और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें यहाँ से अपने टेरेस पे से सब्जियाँ मिलती रहती हैं, फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियाँ। चलिए दोस्तों अब हम शिमला मिर्च की हार्वेस्टिंग करेंगे। ये लगी है हमारी शिमला मिर्च। ये देखिए शिमला मिर्च भी मैंने अभी दो तीन दिन पहले ही कट की थी और उसके बाद फिर से काफ़ी बड़ी हो गई हैं देखिए। और दोस्तों अगले नंबर पर हम हार्वेस्टिंग करेंगे अपनी लौकी की। पहले ये कपड़ा हटा लेते हैं। देखिए कितना बड़ा साइज है इसमें, अब ये नीचे टकराने लगे जमीन के अंदर, ये देखिए। और बिल्कुल सही टाइम पे तोड़ लेना चाहिए, जैसे ही हम जो हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें अगर कलर थोड़ा सा भी चेंज लगे आपको किसी भी फ्रूट का तो उसको तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो पकने लगता है अगर सही टाइम पे कट नहीं करते हम लोग। देखिए दोस्तों कितना अच्छा साइज मिला है हमें लौकी का। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए।